नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का ऐसा जम्मू डॉक्स की एक और नई फ्रेश वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्टो K10 के VXi प्लस वेरिएंट की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने LXi वेरिएंट का की बात की थी, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगी। बाकी VXi प्लस वेरिएंट में आपको क्या कुछ चीज़ें जो होंगी वो देखने को मिलेंगी, वो देख लेते हैं। बाकी फ्रंट से आपको LXi और VXi वेरिएंट दोनों सेम दिखने वाले हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे टायर की सेक्शन की पहले बात कर लेते हैं, तो R13 के यहाँ पे आपको जो होंगे स्टील रिम्स देखने को मिल जाएंगे, बट व्हील कवर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी फेंडर पे आपको यहीं पे इंडिकेटर्स जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। अगर ORBM की बात करें तो ORBM का डिज़ाइन जो होगा वो चेंज हुआ मिल जाएगा। LXi में बिल्कुल बेसिक से मिलते थे, यहाँ पे जॉय स्टिक का मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा, तो अंदर से आप इन ORBM को कंट्रोल कर सकते हो जो मैंने आपको बताया जिस मैकेनिज्म। बाकी डोर हैंडल्स जो है ना वो आपको बॉडी कलर में ही मिलेंगे VXi प्लस वेरिएंट में। बाकी ये कुछ विंडो पैनल आप देख सकते हो, ये सेम विंडो पैनल आपको एस्प्रेसो और सिलेरियो में देखने को मिलता है, क्योंकि इनके विंडो पैनल्स पे आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल जो होंगे वो नहीं मिलेंगे। बाकी अगर की बात करें तो यहाँ पे सेंटर लॉकिंग की फैसिलिटी के साथ ये की मिल जाएंगी। स्टेयरिंग मोटर कंट्रोल जो होंगे वो आपको इस वेरियंट में देखने को मिल जाएंगे, ये चीज़ आप देख सकते हो। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप देख सकते हो। बाकी अगर आप ध्यान से इस गाड़ी को इंटीरियर से देखोगे ना, तो आपको याद आएगा कि मारुति सुजुकी ने बड़ी सारी चीज़ें जो है ना अपनी अलग अलग गाड़ियों से उठा के इसमें मर्ज कर दी हुई हैं। जैसे आप ये स्टेयरिंग व्हील देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, ये एस्प्रेसो का उठाया हुआ है। हालांकि पोजिशनिंग एस्प्रेसो में थोड़ी अलग है तो इसलिए ये थोड़ा अलग सा दिख रहा है, बट है ये एस्प्रेसो का ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और स्टेयरिंग व्हील भी आपको मैंने दिखा दिया। बाकी अगर और भी चीज़ों की बात करें, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो इनका वही पुराने वाला जो चल रहा है सभी मारुति कार्स में आ रहा है, वही वाला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैनुअल साइड पे यहाँ पे AC है, ग्लव बॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो VXi प्लस वेरिएंट ही मेरे को लगता है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो रहने वाला है। USB और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ मिल जाएगा, 2 कप होल्डर्स की फैसिलिटी जो होगी वो आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह भी रख सकते हो। बाकी ऊपर यहाँ पर आपको लाइट की फैसिलिटी और ये माइक की फैसिलिटी हो जाएगी, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ ये आने वाला है। अगर रेयर के विंडो की बात करें तो मैनुअल साइड पर रेयर की विंडोज़ जो होंगी वो मिल जाएंगी, यानी कि VXi प्लस वेरियंट में आपको जो फ्रंट के 2 पावर विंडोज ही मिलेंगे, जिनका फ्रंट में सेंटर कंसोल में आपको जो वो कंट्रोल्स मिलेंगे, ये कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी ये कुछ डोर हैंडल्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और ये कुछ आप इंटीरियर से देख ही सकते हो, उसके साथ ज़्यादा क्या बोले। बाकी रियर में आपको ना VXi प्लस वेरिएंट में आपको जो होगा वो पार्शल ट्रे जो होगी वो रियर में आपको देखने को मिल जाएगी इसमें। बाकी अगर बैठने की बात करें तो लेग स्पेस 5'8" 5'9" इंचज़ हाइट तक के लोगों के लिए वो ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं, और हेड रूम वगैरह भी इसमें ठीक ठाक ही मिल जाएगा आपको। बाकी यहाँ पे रियर में आप यहाँ पे भी बोतल हो वगैरह रख सकते हो, और मुझे ये लग रहा है कि इसकी जो रेयर की जो इससे टॉप वाला वेरिएंट आएगा ना, उसके रेयर की पावर विंडोज़ भी आपको यहीं पे सेंटर कंसोल में देखने को मिलेंगी। और ये कुछ रेयर का लुक भी आप यहाँ से देख सकते हो। फ्रंट के डैशबोर्ड की बात करें VXi प्लस वेरिएंट की, तो वो उसके लुक्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। एंड अगर रेयर के लुक्स की बात करें VXi वेरिएंट के, तो यहाँ पे रेयर में आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर जो होंगे वो मिल जाएंगे। बाकी टेल लैंप्स का डिज़ाइन आप देख सकते हो, डिज़ाइन जो है सब्जेक्टिव थिंग है, अपने अपने चॉइसिस पे रहता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद है। बट ठीक है, मुझे कोई ये खास गाड़ी लगी नहीं है एक्सटीरियर से। हाँ, बट जब अगर आप इसको ज़्यादा गौर से देखोगे या अलॉय व्हील डाल के इसको चलाओगे ना, तो इस गाड़ी की लुक जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी मार्केट में। बाकी एक और कलर जो है वो आएगा इसका, तो वो कलर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस कलर में ये गाड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है, बट यस, अगर VXi प्लस वेरियंट आप ले रहे हो ना, तो उसमें अलॉय व्हील डलवाओगे ना, तो बढ़िया सी लुक जो होगी वो इस गाड़ी की इन्हांस होकर आने वाली है। सो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो अल्टो K10 के VXi प्लस वेरिएंट के ऊपर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे इस तरह से किसी न्यू लोकेशन पे किसी न्यू गाड़ी के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग।